और जितनी भी देवियां हैं, ये वृंदावन की जो मालकिन ब्रजरानी राधा रानी हैं, तो केवल अपने मन से नहीं है, यहाँ जितनी भी देवियां हैं, एकान्नसा रुद्राणी इंद्राणी, वो सब देवियां प्रकट होकर के प्रिया जी को अभिषिक्त की। तहि पुनि भगवती पौर्णमासी देवी ब्रज वन देवी, ये वृंदावन की जो देवी है उन देवी के साथ है, राधा रानी को अभिषेक करने के लिए अनेक प्रकार के तीर्थों का जल भगाई, उसमें सुवासित जल स्थापित की, बास भूषण उपहार इत्यादि के द्वारा प्रिया जी की पूजन किया गया, दिव्य मणिमय वेदी पर प्रिया जी प्रतिष्ठित हुई बैठी, और सखीगण चारों तरफ से जय हो का नारा लगा। वृंदावन भूमिश्वरी करी भागवती करु अभिषेक, आचार्य चरण कहते हैं कि वृंदावन की अधिष्ठात्री के रूप में सभी देवियां आकर के प्रिया जी की अभिषेक की, और प्यारे श्याम सुंदर भी जय ध्वनि किए, जय हो मंगल ध्वनि किए, मंगल गीत गाया गया, और प्रिया जी राधा रानी के ललाट पर तिलक लगाया गया। जैसे षोडशो प्रकार पूजन होता है, उसी प्रकार प्रिया जी का पूजन हुआ। और इसके बाद इस ब्रजमंडल का कौन किस किस पद पर रहेगा यह भी बांटा गया। राज राजेश्वरी श्रीमती राधा रानी अपनी अनंत सखियों के बीच में सुशोभित होने लगी, और सभी सखियों को बांटा गया कि कौन किस पद पर रहेगा। तो वृंदावनेश्वरी का सरस दास्य प्राप्त करने के लिए श्याम सुंदर लोग हो गए। श्याम सुंदर के भी मन में उत्कट अभिलाषा जगी कि सभी सखियों को बांटा जा रहा है सेवा, तो मैं कौन सी सेवा। तो प्रधान सखी है ललिता जी, तो ललिता सखी के पास इनको भेजा गया ललिता जी के, तब अतिशय आनंदिता ललिता जी के पास जाकर के प्यारे श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, कृष्णे न कहे न ललित। श्याम सुंदर ललिता के पास जाकर के कहे कि आप हमारी वाणी को ध्यान पूर्वक सुनो, आप लोग ये नया मंत्रिमंडल बनाई है उसमें हमको भी कुछ सेवा दी, क्या मैं सेवा करूं, किस सेवा लेंगे, चलो तुम्हें हम भी, मैं भी चलता हूं, तुम भी हमको कोई सेवा दो। सखी सब सेवा बांट, यहाँ तक कि ललिता सखी कहती हैं कि क्या किया जाए, जितनी सेवा है प्रिया जी की सब सेवा बांट दिया गया, अब कोई सेवा पद रहा नहीं, आप क्या सेवा लेंगे, जिसकी जिसकी जो जो इच्छा थी सबको सेवा देंगे। तो प्रिया जी प्रार्थना, श्याम सुंदर प्रार्थना किए कि हमको भी कुछ सेवा मिलनी चाहिए। तो ललिता सखी कहे कि कोई सेवा है नहीं, सब सेवा बट गया, अब तुम्हारी जो इच्छा है तुम ले लो अपने से, जहाँ तुम्हार नाम लिखी सुनिया कहें कहा। प्यारे श्याम सुंदर ललिता सखी से प्रार्थना किए कि सभी सेवा बांट दिया गया है लेकिन कोतवाल पद नहीं बांटे। तो मैं इस राज्य काज का कोतवाल बनूंगा, मैं पूरे ब्रजमंडल में जाकर के घोषणा करूंगा कि कोई कोई जो जो सेवा होगी वो सेवा मैं करूंगा ऐसे। तो प्यारे श्याम सुंदर कोतवाल के भेष में प्रिया जी के समक्ष उपस्थित हुए प्रिया जी के दरबार में। तब मंत्री ललिता की आज्ञा से कोतवाल पद लिख श्याम सुंदर राज राजेश्वरी को एक आवेदन पत्र लिखे, प्रिया जी के पास चिट्ठी लिखे कि हे श्री किशोरी जी महारानी, आप महामहिमा वर, आपका चरण कमल है,
चतुरंगणी और चतुर सखियों के द्वारा आप परिवेष्टित हैं। आपको युद्धेश्वरियां इत्यादि सेवा कर रही हैं। वृंदा टवी राज राजेश्वरी प्रबल प्रताप शालिनी करोड़ों करोड़ों मदन के मद को पराभव करने वाली हे प्रिया जी, आप हमारा निवेदन सुनिए। मैं एक राजकर हूँ, कोतवाल पद दे करीबे मोहि चीरदास। मैं आपका नित्य दास हूँ, आप हमको कृपा करके एक पद दे दीजिए, कोतवाल पद दे दीजिए। यही विनती आपके चरण कमर में है, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं यह भी सुन चुका हूँ कि आपकी कीर्ति पूरे भूमंडल में, सभी देव समाज में भी आपकी कीर्ति गाया जाता है। कुंज कुंज प्रति घुस प्रतिदिन या प्रत्येक कुंज कुंज में आपकी कीर्ति, पशु पक्षी कोकिल वृक्ष लताओं ये सब प्रिया जी की ही गुणगान करते हैं। वृंदावन एक अलौकिक जगत है, जहाँ के पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा सब प्रिया जी की ही गुणगान करते हैं। जितने भी वृक्ष लता हैं वे भी तपस्या करके प्रिया जी के गुणगान ही किया करते रहते हैं। यही नहीं, आकाश वायु अग्नि पंच महाभूत ये सब आपकी ही कीर्ति का गान कर रहे हैं। और आप कृपा करके ये हमारा जो इच्छा है उसको निष्फल मत होने दीजिए, ये हमको प्राप्त करना है। यही विधि सेवा नित प्रति लहरी पालवी निज ठकुरा। जय जय राधा वृंदा विपिनाधीश गाओ भवन चिरकाल। हे प्रिया जी, प्रिया जी की कीर्ति प्यारे श्याम सुंदर गा रहे हैं। अब वृंदावन में सभी जगह उद्घोषणा कर दिया गया है कि वृंदावन की मालकिन ब्रजरानी राधा रानी है और प्यारे श्याम सुंदर इस ब्रज के कोतवाल है। हे वृंदावन के पशु पक्षियों, भ्रमर कोकिला वृक्ष लताओं आकाश वायु तुम सब सुनो, आज से वृंदावन की राज राजेश्वरी ब्रज रानी राधा रानी। अब मोहन कोतवाल के मुंह से ऐसी मधुर घोषणा सुन करके सब लोग, जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग हैं, सब गदगद भाव से प्रिया जी के सामने देखने गए। सारा वृंदावन में राज राजेश्वरी का उद्घोषणा हो गया, सब लोग ये स्वीकार करने लगे। राधा रानी के चरण सानिध्य में वृंदावन की स्थावर जंगम की आनंद वार्ता होने लगी। जैसा राजा होता है तो राजा के पुण्य से ही प्रजाओं को सुख मिलता है, प्रजा में यदि सुख हो तो ये राजा का पुण्य है। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है। अब पूरे ब्रज में यह उद्घोषणा हो गई कि ब्रज की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी ब्रजरानी राधा रानी और प्यारे श्याम सुंदर कोतवाल पद पर हैं। सब मंत्रिमंडल बैठे हुए हैं, 64 सखियां हैं, सब सखियों को मंत्री पद बांट दिया गया है। अब प्यारे श्याम सुंदर तो कौतुकी हैं, श्री कृष्ण का स्वरूप है नित्य प्रति लीला को बढ़ाना। प्रेम रस निर्यास करते स्वादन, प्रेम रस का निर्यास करते हैं और इसके बाद पुनः उसका स्वादन करते हैं, श्री कृष्ण का स्वभाव ऐसा ही करते। तो ललिता के आंचल में धीरे से छिप करके श्री हरि ने अपना बंसी फेंक दिया। कौतुकी है श्री कृष्ण और राज राजेश्वरी के चरणों में जाकर के प्यारे श्याम सुंदर निवेदन किए कि हमारी बंसी चोरी हो गई है, कृपा करके उसका तलाश लिया जाए, कौन चुराया है। विशाखा यह बात सुनी कि बंसी चोरी हो गई तो यह सुनते ही विशाखा कही बहुत अच्छा, ये कुल नासी बंसी खो गई, ये ब्रज का सौभाग्य जग गए।
अब जितनी भी कुलस्त्रियां हैं अपने धर्म का पालन करेंगी और खास करके ये लोग चैन से सोएंगी। जब से बंसी प्रकट हुआ तब से कोई भी सधर्मणी अपने धर्म को पालन नहीं कर पा रही। यह सुनकर के राजा ब्रजरानी राधा रानी कह रही हैं कि राजा के रहते चोरी न हो, चोरी पर विचार न हो तो राजा का ख्याति नष्ट हो जाए। भाई जिस राज्य में राजा है और व्यभिचार चालू है, पाप हो रहा है, तो सब दोष राजा को लगता। शास्त्रों में लिखा गया है राजा राष्ट्र कृतम पापम राज्यम पाप पुरोहित। भरता च स्त्री कृतम पापम शिष्यात पाप गुरुस्तः। राजा राष्ट्र कृतम पाप, जिस राज्य में प्रजा पाप करती है तो प्रजा का छठवां हिस्सा राजा को भोगना पड़ता है। तो राजा बनने के बाद प्राय लोग नरक में जाते हैं, राजेश्वरी तब नरकेश्वरी, राजा के बाद में। इसीलिए राजा का कर्तव्य है कि हमारे राज्य में चोरी पाप इत्यादि न हो। तो ब्रजरानी राधा रानी कहती है राजा के रहते चोरी पर विचार न हो तो राजा की ख्याति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हे ललिते, तुम इसको अच्छे तरह से पालन। देखो ये चोरी कहाँ हुआ, कौन चोरी किया है। ये सिद्धांत है राजा राष्ट्र कृतम पाप और राज्यम पाप पुरोहित। यदि राजा पाप करता है, अब पुरोहित उसको शिक्षा नहीं देता है तो पुरोहित को भी छठवां हिस्सा भोगना पड़ता है। और यदि स्त्री पाप करती है तो पति को उसका छठवां हिस्सा भोगना पड़ता है। और शिष्यात पाप गुरुस्तः, शिष्य का पाप गुरु को भोगना पड़ता है। जिस पर विचार किया गया है कि स्त्री पाप करेगी और उसको पति को क्यों भोगना पड़ेगा, तो जो स्त्री संपूर्ण रूप से अपने पति की अनुगत हो, पति की सेवा करती हो, मान राम वचन से आप पति सब तरह से उसकी रक्षा करता है, और उस समय पत्नी यदि कपट करके कोई पाप करती है तो उसको फल भोगना पड़ता है। पति पति का काम है, पति का अर्थ ही होता है पाति इति पति, जो अपने पत्नी का पालन करे, केवल खाना पीने से ही पालन न करे, कैसे रह रही है, कैसे आचरण कर रही है, भी देखना। उसी तरह दीक्षा ले लेने मात्र से, दीक्षा ले लिया तो दीक्षा लेने के बाद शिष्य का गुरु का जिम्मेवारी है, यदि चेला पाप करता है तो गुरु को भोगना पड़ता है। तो यदि शिष्य हमेशा गुरु का अनुगत बना रहे, यदि शिष्य अपने गुरु से मिलता जुलता नहीं, उनका बातचीत नहीं करता, उनका सत्संग नहीं करता, बहुत महीनों महीनों दूर रहता है, तो उसका पाप गुरु को भोगना नहीं पड़ेगा। जो अनुगत रहेगा उसके लिए। तो राधा रानी कहे कि भाई अब तो पता करना पड़ेगा बंसी कौन चोरी किया है। मंत्री ललिता ने तिरस्कार के साथ कोतवाल को पद त्यागने का निर्देश दे दिया। तुम्हारे राज्य में तुम कोतवाल हो और यहाँ पर चोरी हो रहा है तो सब पाप तो दंड तुमको ही भोगना पड़ेगा, तो छोड़ दो, तुमसे नहीं यदि होता है तो छोड़ दो। जो निकम्मा सेवक अपनी ही चीज की रक्षा नहीं कर सकता है वो समाज की क्या सेवा करे। अरे कोतवाल पद पर हो और तुम्हारी बच्ची चोरी चली गई तो दूसरे की तुम रक्षा क्या कर पाओ। ललिता जी डांट करके कहे कि तुमसे नहीं संभलता है तो कोतवाल पद छोड़ दो, और यदि नहीं होता है तो प्रजा का धन की तुम रक्षा क्या कर कैसे करे। इसलिए उसके पद छोड़ने में ही राज्य की भलाई है। ललिता सखी ब्रजरानी राधा रानी से इस प्रकार निवेदन किया। कोतवाल ने महारानी के चरण में निवेदन किया कि महारानी जो मुझे संदेह है बाहर का पब्लिक कोई चोरी नहीं की है, लगता है कि ये राजमंत्री जो लोग हैं वही चोरी करे।
राजमंत्री चोरी की। सबसे पहले राजमंत्रियों का ही निरीक्षण किया जाए कि हमारी बंसी कौन चुराई है। कर्मचारी में ही से किसी ने बंसी चोराई की है, बाहर का कोई चोरी नहीं किया है। इसलिए निहायत छोटा सेवा कोतवाल की यह बात मानी जाए। यह सुनकर मंत्री ने क्रोधित होकर आज्ञा दी कि सब लोग अपना अपना आंचल झाड़ो, किशोरी जी के राज्य में कौन चोरी किया है। यदि किसी के पास बंसी यदि नहीं निकली तो इस झूठे संदेह के लिए इस पदाधिकारी को अभियुक्त बनाने के अपराध को इसके लिए भयंकर दंड भुगतना पड़ेगा। भाई तू कह दिया कि ये राजमंत्री लोग चोरी किए हैं और यदि नहीं निकला तो तुझको भयंकर दंड दिया जाए। मंत्री के आदेश का यथारीति पालन किया गया। ललिता सखी ने जो आदेश मंत्री आदेश पूरा किया गया। अंत में स्वयं मंत्री के ही सब का आंचल को झाड़ा गया, कौन चोरी किया है, कौन चोरी किया है, चारों तरफ। जब ललिता सखी अपना आंचल को झाड़ी तो महाराज उसी में से बंसी गिर गई। सभी खामोश भाई, ललिता सखी यहाँ के प्रधानमंत्री और उसी के आंचल से गिर गया, सब खामोश। अब कौन क्या बोले, चुप सन्नाटा। कोतवाल महारानी से बोले, महारानी पहले ऐसी चोरी मंत्री का पद छोड़ना उचित, नहीं तो राज की अपार क्षति होगी। भाई प्रधानमंत्री ही चोर हो गया तो पहले पहले इसको छोड़ना चाहिए। अब ललिता को गुस्सा आया। ललिता सखी एक ऐसी है कि किशोरी जी को भी डांटती है और श्याम सुंदर को भी डांटती है। ब्रजरानी राधा निकुंज में राधा रानी को भी सिखलाती है कैसे रुसा जाता है, मान करना, प्रिया जी को सिखलाती है और श्री कृष्ण को भी सिखलाती है। अरे अरे राई, अरे अरे कांड, आचार्यों का पद है, अरे डांट कर बात है, तुम को ऐसे नहीं। ललिता सखी के डर से प्रिया जी मान को भंग नहीं करती, इच्छा रहते हुए प्यारी श्याम सुंदर से बात नहीं करती। ललिता क्या करे, इस प्रकार। और ललिता जी क्रोध में आए और क्रोध में होकर के बोली, तुम्ही ने गुप्त रूप से यह बंसी मेरे आंचल में छिपाई, छिपा करके तूने कपट आयोग किया है, इस प्रकार के अभियोग चलाया है तुमने। ललिता सखी डांट करके कही, मैं महारानी के चरण स्पर्श करके कहती हूँ। ललिता सखी कहती, बड़ा भारी भयंकर बेइज्जती की सवाल है मंत्री जो। और ललिता सखी प्रिया जी के चरण कमल को छू करके कहती है कि मैं प्रिया जी के चरण को छू करके कहती कि यह सब तुम्हारा ही काम, तुम ही किए। चरण या ललिता सखी कहती है कि तुम चरण छू करके कहो कि तू चोरी किया है, अरे तूने ये गलत काम किया है, यह तुम्हारा काम नहीं किया। तुम उनके चरण छू करके कहो कि यह तुम्हारा काम नहीं। इस प्रकार ललिता सखी चरण स्पर्श की बात सुनते ही प्यारे श्याम सुंदर के हृदय में प्रिया जी के अंग का स्पर्श होगा, महान भाव लाश प्रकट कि देखिए प्यारे श्याम सुंदर कुछ भी करते हैं उनका लक्ष्य केवल एक ही है, प्रिया जी का चरण कमल छूना, उनका सानिध्य प्राप्त करना। कोतवाल के हृदय में आनंद रस उच्छलित हो उठा कि आज हम प्रिया जी के चरण कमल का स्पर्श करें। हियार मझारे उठे रसे रही लोली। आचार्य चरण कहते हैं कि उनके हृदय में प्रेम का एक महाभाव का हिलोर पैदा हो, जबे परसिबे चाहे तुम्हार पाए रंग लिया। आप प्रिया जी के चरण के अंगुली को मैं स्पर्श करूंगा। कोतवाल ने आंखों में आंसू भरे पुलकित देह से कांपते हाथों से महारानी का पाद पीठ स्पर्श किया। प्रिया जी के चरण कमल को प्यारे श्याम सुंदर स्पर्श किए।
श्री चरण का स्पर्श कर आनंद घन विग्रह को रस मोह। देखिए प्रिया जी की स्थिति मादनाथ महाभाव में प्रिया जी रहती हैं, जहां पर श्री कृष्ण का प्रवेश नहीं, लेकिन श्री कृष्ण के मन में हमेशा ये इच्छा रहती है कि उस रस का उपभोग मैं करूं। मुझे भी जितना राधा रानी हमसे प्यार करती हैं, जितना प्यार करती हैं, जितना महाभाव कृष्ण नाम सुनते हैं प्रिया जी बेहोश होकर गिर जाती हैं, उस रस का मैं आस्वादन करूं। तो श्री चरण का कर आनंद घन विग्रह, आनंद घन विग्रह को भी रस का मोह, रस आनंद में जड़ता। देखिए ये श्री कृष्ण क्या है, तो आनंद घन है। कृष्ण से बढ़कर आनंद जगत में कहीं है? वह आनंद घन श्री विग्रह श्री कृष्ण भी प्रिया जी के चरण कमल को छू करके उनमें जड़ता, जड़ता में पत्थर जैसा हो, तो क्या करे। ये प्रिया जी के चरण कमल का स्पर्श है। अभी भी देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे यहाँ पर ब्रज मंडल में चरण पहाड़ी है, आप छोटी बठैल के पास जाएंगे तो कृष्ण का चरण बड़ा लंबा लंबा है। श्री कृष्ण भगवान जब प्यारे पैर पत्थर पर रखते हैं तो पत्थर पिघल जाता है मोम जैसे। ब्रज में बहुत जगह है, नंदगांव में भी चरण पहाड़ी है, कामा में चरण पहाड़ी है, बठैल के पास चरण पहाड़ी है, पत्थर पिघल गया है। देखिए आनंद घन में जड़ता और जड़ता में आनंद। अभी आप देखिए श्री गौरांग महाप्रभु का अलारनाथ आप लोग गए होंगे। देखिए जब श्री गौरांग महाप्रभु दंडवत किए हैं तो पत्थर पिघल गया, आज तक गट रहा है। उससे आगे बढ़िए, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन, तो झारखंड में आज जाकर देखिए पत्थरों पर महाप्रभु का चरण चिन्ह है चैतन्य महाप्रभु। और जब महाप्रभु नाम संकीर्तन किए हैं तो सांप चल रहा है तो पत्थर पिघल गया है। ऐसे हम लोग जाकर देखे हैं वहां हिरण का हाथी का ये चरण चिन्ह। श्री कृष्ण यहाँ ब्रज मंडल में तो कृष्ण का ही पैर पिघल गया, अरे धस गया, लेकिन श्री गौरांग महाप्रभु जब राधा भाव विभावित होकर के झारखंड में कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करने के कारण वहां के पहाड़ पत्थर पिघल गया। अब पिघले हुए पत्थर पर चल रहे हैं कौन, हाथी घोड़ा हिरण ये सब जब चल रहे हैं तो उनका पैर धसता हुआ जा रहा है। ऐसा ये है श्री प्रिया जी के चरण कमल का स्पर्श करके आनंद घन को जड़ता। और दूसरी बात है कि यहाँ साक्षात प्रिया जी को आनंद प्रिया जी के स्पर्श प्राप्त करके जब प्यारे श्याम सुंदर की ऐसी स्थिति आ गई तो साक्षात प्रिया जी ही जहाँ है प्यारे श्याम सुंदर बहुत बात कौन है प्रिया जी ही, तो वो प्रिया जी के स्पर्श पा करके उनमें जड़ता आ गया, उनका कंठावरोध हो गया। तब ललिता बोली देखो महारानी तुम्हारे चरण है धर्मस्वरूप, और उन्हें स्पर्श कर उसके मुंह से मिथ्या बात अब नहीं निकली। ललिता जी कहती उस समय प्यारे श्याम सुंदर की स्थिति कैसी है ये आचार्य चरण वर्णन करते हैं। नागरे कंपित देखी रसवती राई, देखिए ये साधारण बात नहीं है। श्री कृष्ण कौन है शास्त्र में विचार किया गया, कृष्ण से परतत्व कोई नहीं, सर्वश्रेष्ठ। चिट्ठी को पशु को पक्षी को पेड़ पौधा को आदमी को जो रस आनंद मिलता है वो श्री कृष्ण से ही मिलता है। वस्तुओं में आनंद नहीं है, आनंद कृष्ण में। वह श्री कृष्ण भी प्रिया जी के स्पर्श पा करके आनंद को जड़ता है, हाथ कांपने लग जाता है।
बरसाना की सीढ़ी पर चढ़ने पर श्याम सुंदर कांपने लगे, जान रहा भय कांप रहा, क्योंकि जिस रस में प्रिया जी हैं उस रस में प्रवेश करने की चाह प्यारे श्याम सुंदर के मन में हमेशा बनी रहती है कि उस रस का स्वादन मैं एक बार करूं। देखिए वहां सभी सखियां बैठी हैं, श्री कृष्ण का पोल खुल गया है, श्री कृष्ण जान करके प्रिया जी के चरण को स्पर्श प्राप्त करने के लिए ये लीला किए हैं, अपनी बंसी को ललिता के आंचल में फेंक दिए, आंचल में गिरा बड़ा भारी बेइज्जती ललिता सखी को, ललिता सखी भी हुंकार करके कहती हैं कि ये चोरी कोई नहीं यही किया, ये जान करके किस लिए भेजे हैं तो यह भी सब जानती हैं। प्रिया जी के चरण कमल का स्पर्श को प्यारे श्याम सुंदर करना चाहते हैं। प्रिया जी के जब चरण पर स्पर्श किए तो नागरे कंपित देखी रसवती राही, अरे प्रिया जी जब देखी कि प्यारे श्याम सुंदर का हाथ कांप रहा है, शरीर कांप रहा है, बिल्कुल हंसी हंसी बंदूक करे धरी लेन जाए, वहां पर फिर तत्काल जाकर के प्यारे श्याम सुंदर के हाथ को पकड़ते, गदगद कंठ कहे धनी बाणी, प्रिया जी गदगद कंठ से कहती हैं, मर में कहिए एबे यशो नीलमणि, हाथ पकड़ करके प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को अपने सिंहासन पर बैठाए, निज वांछा पूरा इल मोर राजा का, मोर साध पूरा इले हरिबे बुरा, ये प्यारे श्याम सुंदर केवल प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए ही विविध प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, ये राजपद का जो हुआ केवल प्रिया जी की प्रसन्नता है, कोटिन रूप धरे नंद नंदन तौ न पावे पार, प्यारे श्याम सुंदर जो भी अवतार धारण करते हैं उनका मुख्य लक्ष्य है प्रिया जी की प्रसन्नता और कुछ नहीं, अपने वांछा को पूरा करने के लिए ही एक लीला रचे थे, निज वांछा पूरा इला मोर राजा करी आ, प्रिया जी कहने लगे कि हे प्यारे तुम मेरी प्रसन्नता के लिए ही इस प्रकार की लीला किए हो, ओ वैसे फिलिया निज भेष पर, तो हमको अच्छा नहीं लगता है तू कोतवाल के भेष में रहते हो, इसी भेष को तू फेंको, प्रिया जी कहते आ सिंहासन वैसव किंकरी होगा, यही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इस लीला का स्मरण करते हैं, वह ऐसा कब आएगा कि साक्षात प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के रसवर्धन के लिए कोतवाल पर धारण किए और प्रिया जी को रहा नहीं गया, अपने हाथ से पकड़ करके अपने सिंहासन पर बैठाई, अब तो सखियां जय हो का नारा लगने लगा, ब्रजरानी राधा रानी की जय कहने लगे, आनंद की सीमा तो नहीं रही, किंकरियां महाराज चमर व्यंजन इत्यादि करने लगे, सेवाएं पूर्व चालू हो गई, जिस सखियों की जो सेवा थी वो प्रारंभ, देखिए श्री कृष्ण की अलग सेवा, अलग से सेवा करना उतना उत्कृष्ट नहीं जितना साथ प्रिया के साथ से। आहा मरी की बात दूती रूप अनुपम, प्रिया जी के रूप क्या अद्भुत है, क्या सुंदर है, इस रूप को आचार्य लोग बहुत सुंदर ढंग से इस रस का स्वादन किए हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद ने इस लीला को तो माधव महोत्सव नाम करके बड़ा सुंदर विस्तार किए, अति परम रसाल दुहु गले फूल माला, दोनों एकदम प्रेम में उन्मत्त हो गए और एक दूसरे से मिले, कहते हैं कि जब प्रिया और प्यारे श्याम सुंदर दोनों मिल करके एक साथ इस रस का स्वादन किए लीला किए, सखियां मंजरियां, देखिए वृंदावन के प्रत्येक जीव जंतु पेड़ पौधा का एक ही लक्ष्य है प्यारे श्याम सुंदर को प्रसन्न करना, प्रिया जी को प्रसन्न करना, प्रिया जी श्याम सुंदर को प्रसन्न करना, और सब इस लीला को देख करके मयूर मयूरी नृत्य करने लगे, सुख सारिका गान करने लगी, भंवरा भ्रम भ्रम करके महाराज पुष्पों का रस चुगने लगे, नव जलधर मेघ उपस्थित हो गया, उस मेघ में बिजली चमकने लगी, जय हो रसवती ब्रजरानी राधा रानी की जय, जत सखी मंजरी दोहार माधुरी हेरी,
प्रियालाल एक सिंहासन पर बैठ करके एक दूसरों का अवलोकन कर रहे हैं। इसको देख करके सुख सारिका, पशु पक्षी, मयूर मयूरी, मंजरिया सब अपनी सेवा लेकर के उपस्थित हो गए। सब पशु पक्षी बोल क्या रहे हैं, राधे श्याम प्रिया जी की जय, ब्रजरानी राधा रानी की जय। जत सहचरी गण परे पुष्प वरिषण, जितनी सखियां हैं सहचरिया हैं पुष्प की वर्षा करने लगी। राधा रमण बोली गाए अभिराम, हा राधा रमण, हा प्यारे श्याम सुंदर, इस प्रकार कह करके जय हो का नारा लगने लगा। यही रस का स्वादन यहाँ पर श्रील रूप श्रील तुलसी मंजरी कह रही है। इस श्लोक में तुलसी मंजरी कह रही है, प्रीत्या मंगल गीत नृत्य विलसत वीणादिवादोत्सव। प्रसन्न होकर के प्रीत्या मंगल गीत नृत्य विलसत वीणा दिवाद्योत्सव। प्रिया जी जब ब्रजरानी राधा रानी जब ब्रज की अधीश्वरी बनने जा रही हैं, तो मंगल गीत हो रहा है, नृत्य गीत हो रहा है। सुधानां पयसां घटैर् बहुविधै संवासितानां भृशं वृंदारण्य महाधिपत्य विधये जह पौर्णमास्या स्वयं धीरे संवित सखीं तव महा श्रीको मया द्रक्षते। क्या ये अद्भुत अपूर्व रस का वर्षण जब हो गया, तुलसी मंजरी कह रही है कि मया द्रक्षते, क्या उस रस का मैं अवगाहन कर पाऊंगी। हे धैर्यशालिनी राधे, तुलसी मंजरी कह रही है, हे धैर्यशालिनी राधे, हाय मोर हेन भाग्य कबे हवे, ऐसा कब मुझको ऐसा कब भाग्य होगा कि ए मोर मन साधे तब अभिषेक उत्सव हेरी बोले। सभी चौसठों सखियां मिल करके बीच में प्रिया जी को वृंदावनेश्वरी के रूप में अभिषेक करेंगी, मैं क्या अपने इस नेत्र से देख पाऊंगी। उस समय मंगल गीत गाया जा रहा होगा, बेणू बीड़ा मुरज नृत्य गीत, सब लोग मनोहर नृत्य गान करते होंगे। हजारों हजारों सुवासित घट से तुम्हारा अभिषेक होगा, घट सब पूर्ण करी पौर्णमासी हो, स्वयं साक्षात इस ब्रज की मालकिन पौर्णमासी सखी इस काम को करेगी, अतिशय प्रीति है।